जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में बुजुर्गों और विधवा पेंशन स्कीम के तहत खाते में सीधा पेंशन डाल दी गई है। अब बुजुर्ग अपने नज़दीकी बैंक या CSC केंद्र पर जाकर अपने पेंशन के पैसे निकलवा सकते हैं। हरियाणा की राज्य सरकार ने पेंशन पाने वाले वृद्धजनों को नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। राज्य के वृद्धजनों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब पेंशन लाभार्थियों के अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन धनराशि बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 24 अप्रैल यानी कि आज के दिन ही शुरू हुई थी। पूरे हरियाणा में आरंभ की जा रही है। इस बार बुजुर्गों के खाते में 2500 रुपये पेंशन डाली गई है और 750 रुपये सभी की रोक ली गई है, क्योंकि वो एक तारीख से 15 तारीख के बीच बीच में आ जाएगी। आपको बता दिया जाए कि CSC केंद्र पर बुजुर्गों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है। आपको बता दिया जाए कि वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसका शुभारंभ सरकार द्वारा वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले वृद्धजनों को लाभ दिया जाए।